हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत जर्नी। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, ये आई है लेटेस्ट वीडियो सदर मार्केट पटरी बाजार की, जो कि आज ही मैं गई थी। मॉर्निंग में मैं पहुंची थी 10:30 और गाइस बहुत रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था। तो अगर आप जाते हैं तो प्लीज़ अपनी पॉकेट ज़रूर संभाल लेना। और इस वीडियो में गाइस आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन दिखने वाली है, जो कि मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी सी हटके और थोड़ी सी अलग होगी। तो उसके लिए बिल्कुल एंड तक देखिएगा वीडियो को। और बारिश भी हो गई थी आज बहुत ज़्यादा, और पानी भी वहाँ पे भर गया था, तो उस बारिश को एंजॉय करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, बने रहना मेरी वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी, कितने का है ये? कितने का है करवा? 40 रुपये का। और दिए 60 रुपये के 12। सो गाइज, ये डिफरेंट शॉप देखी मैंने। यहाँ पर झालर की जो वैरायटी थी बहुत अलग थी, और इनकी जो स्टार्टिंग है वो 150 से है यहाँ पर, और हाई रेंज तक इनके पास मिल जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल और कितने डिज़ाइनर झालर्स हैं। ये साथ में एक भैया बेच रहे थे, ये गुड लक चार्म था खछुए का जो, और ये लक्ष्मी जी के पैर 25 रुपीज ईच मिल रहे थे। भैया कितने कितने की है? 200 रुपये। 200 कितना? 12 पीस। अच्छा, यहाँ पर माता जी के आसन मिल रहे थे और 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी इन भैया के पास। सारे ही रेड कलर में थे और एम्ब्रॉयडरी की हुई थी सब पर ही, और इसमें साइजेस भी अवेलेबल थे। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको लाइट्स के मिल जाएंगे, यहाँ पे सिमिलर रेंज ही है सबके पास। ये साथ में ही भैया 10-10 रुपीज़ में पाजेब सेल कर रहे थे। 10-10 रुपये। ये 60 रुपये का पैकेट है। 60 रुपये का? कितने हैं इसमें? 50 बत्ती होती है, 5 बाउल। पानी के अंदर चलने वाली फ्लोटिंग कैंडल है। फ्रेंड्स, ये फ्लोटिंग कैंडल मिल रही थी जो कि बहुत ही डिफरेंट लग रही थी, तो ये भी मैंने बाय की है वहाँ से। 50 रुपीज़ में पैकेट दिया भैया। ये भैया डिफरेंट स्टाइल के मिरर सेल आउट कर रहे थे 50 रुपीज़ का, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी भैया के पास अवेलेबल थे, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे और बिल्कुल डिफरेंट थे। और जब मार्केट में आप जाएंगे तो ये स्टार्टिंग में ही भैया खड़े में 150-150 का ईच दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे स्टॉल देखे हैं जो कि करवा चौथ की थालियाँ मिल रही थी, बिकॉज ऑफ क्योंकि लास्ट संडे है, नेक्स्ट संडे तो करवा चौथी है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रही थी। और 200-150 की रेंज में, 100 की रेंज में भी बहुत अच्छी सजी हुई थालियाँ दिख रही थी। ये थालियों के स्टॉल मंडे टू संडे सारे दिन लगे हुए हैं, तो आप कभी भी जाके बाय कर सकते हो ईजिली। फ्रेंड्स, मैंने ये एक शॉप देखी जहाँ पर वॉल क्लॉक बहुत ही प्यारी मिल रही थी, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल, बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन में मिल रही थी। और यहाँ की जो रेंज थी वो 800 से स्टार्टिंग थी, और जो ऊपर पीकॉक वाली आपने अभी देखी होगी वो 1800 की भैया ने बताई। यहाँ पे हैंगिंग बेल्स भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल थी, और इनके पास शोपीस भी काफ़ी अच्छे थे। अगर जो लोग एंटीक आइटम रखने में, मतलब उनको अच्छा लगता है रखना, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी डेकोरेट करने के लिए अपने हाउस को। बिल्कुल इस शॉप के अपोजिट एक भैया लेके बैठे हुए थे, काफ़ी एंटीक आइटम इनके पास भी थी, और ये महाकाल जी की मूर्ति थी जो वुडन टेबल पे बेस थी, और इनके आगे छोटे छोटे दो बाउल थे तो उसमें आप दिए जला सकते हैं, तो ये यूनिक आइटम लगी मुझे यहाँ की। फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ी सा कैप्चर किया है कि आप देख लीजिए कितना रश है, काफ़ी एक एक स्टॉल पर ही काफ़ी लोग खड़े हैं। तो जब भी आप जाइए प्लीज़ ध्यान से जाइएगा। और यहाँ पर भी करवा चौथ की थालियाँ लगी हुई थी जो कि 120 रुपीज़ में थी, और इनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बट इन्होंने सेल लगाई हुई थी 120 ईच, तो आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। तो आपको 100 और 120 की रेंज में काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेकोरेटिव थाली मिल जाएगी। बिल्कुल यहाँ साथ में बच्चों के फुटवेयर मिल रहे थे, 100 रुपीज़ की सेल थी, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के फुटवेयर मिल रहे थे 100 रुपीज़। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा अपलोड करने का यही सिर्फ मोटिव था कि आप लोगों को देख लीजिए और जाकर मस्त मस्त शॉपिंग कीजिए जल्दी से। ये 450 का है? 350 का पेयर है, 2 पीस का। 350 का 2 पीस का। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एंटीक आइटम रखने के शौकीन हैं या आपको वुडन में कुछ चाहिए, तो ये स्टॉल सिर्फ आप लोगों के लिए। यहाँ पे सारी चीज़ें वुडन से बनी हुई थी और डेकोरेटिव आइटम्स काफ़ी सारी थी इस स्टॉल पर। सो गाइज, इस स्टॉल की जो रेंज है वो 150 से स्टार्ट होती है, और मैं आपको ये भी बता दूँ ये एक्चुअली कहाँ पर है। ये है एक रो है, एक गली है जिसका नाम है क्रॉकरी मार्केट, और इसको बोला जाता है पुलिस बूथ वाली गली। तो आप दोनों ही नाम से आप फाइंड कर सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगी। और जो अभी मैंने इससे पहले वाला जो आपने क्लिप देखा है वो भी बिल्कुल इसके अपोजिट में शॉप है, तो आप ये क्रॉकरी मार्केट की रो है, पूरी गली है, तो आप इजीली यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं वुडन से अगर रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो।
वुडन में ही ऐसी गुल्लक मिल रही थी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई थी। यहाँ पर बिल्कुल नेक्स्ट स्टॉल पे ये लैंप्स लगे हुए थे, और अगर आप अपने घर को लैंप से डेकोरेट करना चाहते हो तो आपको ये शॉप, ये स्टॉल इसी लेन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के अलग अलग लैंप्स लगे हुए थे। और ये जो छोटे वाले लैंप्स हैं, ये 4 इकट्ठे हैं एक ही रो में, और ये भैया ने मुझे बताया 200 का, और इसमें काफ़ी सारे कलर्स वाले भी अवेलेबल थे। तो इस स्टॉल पे लैंप्स की कलेक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी और बिल्कुल डिफरेंट थी बाकी स्टॉल के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे ये स्टॉल दिखा, इसमें भी लैंप्स मिल रहे थे बट थोड़े से डिफरेंट थे। ये वाला जो मेरे हैंड में ये 50 रुपीज़ का भैया ने बताया, इसमें बल्ब लग जाता है और उसके साथ हैंग हो जाता है ये। और ये वाले जो अभी मैंने लाइट्स में दिखाए थे, ये यहाँ पे सिंपल में मिल रहे थे 150 के, इन्होंने भैया ने मुझे बताया, जिसमें 5 पीसेस का पूरा ये सेट मिलेगा आपको। ऐसे ये स्टार थे और बेल्स भी थी, तो वो भी सेम रेंज में 100-150 के रेंज में भैया बता रहे थे। इसमें 15 स्टार, किसी में 10 स्टार्स होते हैं, और इसमें बेल्स भी मिल रही थी जो कि इसमें बल्ब जलता है, मतलब इसमें लाइट जलती है। ये पूरी 5 पीस का बेल का सेट है, ये भी भैया ने मुझे 150 का बताया। छोटे वाला जो था वो 130 का था ये वाला, और अगर इससे और आप थोड़ा सा बीच का साइज़ लेना चाहते हैं तो उसमें भी 4 का सेट है, ये भैया ने मुझे 140 की रेंज में बताया था। तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो गाइज, अभी तक ना आप लोग जो सदर की आपने लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, तो ज़्यादातर आपने क्या देखा है कि गांधी मार्केट और रुई मंडी, और ये वाली गली भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये क्रॉकरी मार्केट वाली गली है और इसमें काफ़ी सारा सामान यूनिक मिलता है, डिफरेंट मिलता है, बाकी जो पटरी पे लगा होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। तो आप संडे में जाइए या अदर डेज में, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा इजीली। फ्रेंड्स, ये मिलेगा 40 रुपये का दिया, और छोटे 40 रुपये के 12 पीस, 40 के 12 है ना भाई, ये थैली में डालो। ये बताना भैया, 40 रुपये, ये भी 40 रुपये का। वीडियो बनाते बनाते थोड़ी सी पेट पूजा भी मैंने की, और मैंने खाए नंद के छोले भटूरे जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस है। 100 रुपीज़ की मुझे थाली मिली थी, और दोनों दो भटूरे और छोले मिलते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, आप जाके ज़रूर खाइए। और ऐसे दिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, 40 रुपीज़ के 12, 40 रुपये के 12 दिए मिल रहे थे, और जो थोड़े डेकोरेटिव थे वो 5 रुपीज़ पर पीस मिल रहा था, तो जो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेराइटी आपको मिल जाएगी। कितने की है? 250 रुपये के 10 पीस। और ये 100 रुपये के 10 पीस। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा बाकी वीडियोस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो जाके फटाफट शॉपिंग कर लीजिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है और बहुत अच्छी धूमधाम मची हुई है पूरी मार्केट में। सो मैं आ गई हूँ एक नेक्स्ट स्टॉल पर, जहाँ पर आपको किचन की बहुत सारी आइटम्स मिल जाएंगी, और ये चोपड़ भैया ने मुझे बताया 100 रुपीज़ का। ये वाला जो मूव हो रहा है, ये भैया ने मुझे बताया 200 का, जिसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और अगर इसमें 3 का या 4 का लेना चाहते हैं तो वो 150 का मिलेगा आपको, ऐसे ये ब्लू कलर में, इसमें कलर्स भी थे काफ़ी सारे। और टिफ़िन वगैरह भी आपको यहाँ पे 150 की रेंज में मिल जाएंगे, ये जो सिंगल टिफ़िन भैया ने रखे हुए थे, जिसमें डबल और ट्रिपल में भी मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा हाई रेंज में मिलता है। तो इन भैया के पास जो रेंज थी वो 100 से स्टार्ट होके मतलब 300-400 तक आपको यहाँ पे आइटम्स मिल जाएंगे भैया के पास। तो ऐसे ये कपड़ों पे लगाने वाली जो क्लिप्स होती हैं ये भी अवेलेबल थी इस मार्केट में। तो ऐसी काफ़ी सारी आइटम्स थी। ये वाला 60 रुपीज़ का बताया भैया ने, जो कि थोड़ा सा प्यारा लग रहा था और रिजनेबल प्राइस में भी था। तो ऐसी काफ़ी सारी आइटम आपको सदर मार्केट में ज़रूर मिलेगी। सो गाइज, ये था व्यू संडे पटरी मार्केट सदर बाज़ार का। आई होप आप लोगों ने लाइक की होगी ये वीडियो, और इसमें मैंने आपको थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा डिफरेंट हटके दिखाने की कोशिश की है, और आई थिंक मैं उसमें कामयाब भी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिफरेंट कलेक्शन दिखाई है इस मार्केट के। आई होप आने वाली वीडियो में भी मैं ऐसे ही आपको अदर कलेक्शन दिखा पाऊँ। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन मेरे व्यूवर्स ने नहीं किया है तो, और अगर वीडियोस अगर आप लाइक कर रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वॉचिंग माई चैनल, और जल्दी ही एक न्यू अपलोड होगी वीडियो, जो होगी थर्सडे मार्केट इन द लोक की। थैंक यू सो मच।